एक चतुर्भुज दे रखा ए बी सी और डी, इसमें ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी 12 और सी डी 5 और डी ए 8 सेंटीमीटर, कोण सी क्या हमारे पास 90 डिग्री यानी समकोण। तो सबसे पहले तो हमें इसे क्या किया, दो त्रिभुज में तोड़ लिया। एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी और डी, एक त्रिभुज है बी डी और सी। तो इसलिए इसे इसलिए तोड़ा क्योंकि ये कोण क्या हमारे पास समकोण समकोण है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी और डी में क्या करेंगे कि हम त्रिभुज बी सी और डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास बी सी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना है 5, 5 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये BD इज इक्वल टू BD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 169 यानी BD इज इक्वल टू कितना है 13 यानी ये भुजा हमारे पास कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर 13 मीटर की, मीटर में देर की भुजा तो 13 मीटर की आ गई। अब हमें क्या करना, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। दोनों को जैसे उदाहरण तरह दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी और बी में, तो क्या होगा इसका परिमाप हमने क्या माना S1 इज इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस 13 प्लस 8 बटे 2 यानी कितना आ गया समान 13। तो त्रिभुज ए बी बी का क्षेत्रफल क्या होगा क्योंकि हमने परिमाप क्या माना था S1, तो ये होगा हमारे पास S1 माइनस ए S1 माइनस बी S1 माइनस सी के रूप में। तो S1 कितना 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8 तो ये 15 है, ये 15 मीटर हो गए 6, 15 में से 13 गए 2, 15 में से 8 गए 7। तो हमारे पास ये कितना आ गया अंडर रूट में 1260, तो यानी अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकले 35.5 आ जाएगी। क्या दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या बी सी और डी में, इसमें क्या मान लिया हमने एस टू और परिमाप तो क्या हो गया 12 प्लस 5 प्लस 13 कितना आ गया 30, 30 बटे 2 यानी एस टू कितना आ गया हमारे पास 15। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी हमने परिमाप क्या ले रखा है एस टू, तो ये आ गया हमारे पास H2 माइनस ए H2 माइनस बी H2 माइनस सी यानी 15 15 माइनस 12 15 माइनस 5 और 15 माइनस 13। तो ये आ गया 15 गुना 3 गुना 10 गुना 2। अब इसे फैक्टर किए 15 को 3 5 गुना 3 में और 3 है हमारे पास, 10 को 5 गुना 2 में और 2 को 2 है तो 5 2 5 है तो ये 12 आ जाएगा रूट से। जैसे ये 2 3 है तो 1 3 12 आ जाएगा, ऐसे 2 2 है तो 2 12 आ जाएगा यानी 15 गुने 30 तो ये हमारे पास ये क्या 5 से 15 15 गुने 30 30 आ गया हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 35.5 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 30, तो दोनों को ऐड करके कितना आ गया हमारे पास 65.5। ये पहला प्रश्न। इसी प्रकार से इसमें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये इसमें भी यही है ठीक है। इसमें एक भी गणित दे रखा है, ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी 4, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर और ए सी, ए सी एक भी गणित भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो सेम ऐसे ही करना, पहले इसमें क्या है हमारे पास ये भी गणित दे रखा है हमारे पास, ये दूसरे क्वेश्चन में ये विकर्ण दे रखे हैं हमारे पास ये वाला और ये भुजा दे रखी चार। क्या है पहला ए बी है 3 सेंटीमीटर, ये 3 दे रखी और हमारे पास बी सी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4, सी डी हमारे पास ये भी 4 ही है और बी है 5 और ए सी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये है 5। इसमें भी क्या होगा, एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये, इसका क्षेत्रफल निकाल दो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर दो तो दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा ऐसे ही। अब ये हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी क्या है कि राधा ने रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना। एक तो इसमें त्रिभुज बनना, पहला क्या है त्रिभुज है, इसकी भी भुजा कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर,
ठीक है, और एक भुजा इसकी क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो इसके भी क्या होगा पहले जो पहला पार्ट है इसका भी त्रिभुज है, इसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर सेकंड इसका क्या है हमारे पास ये क्या बनना आयत, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो ऐड करना, और ये नीचे चतुर्भुज बनना, इस चतुर्भुज को ऐसे ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे ही निकालना, तो यानी कि हमारे पास इसमें तीन तो बनने त्रिभुज, ठीक है, तीन क्या बनने त्रिभुज बनने, एक आयत बनना और एक चतुर्भुज, चारों को जोड़ो और ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है ऐसे इसमें, फोर्थ क्वेश्चन में है एक चतुर्भुज एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है और क्षेत्रफल भी एक ही है, तो यदि त्रिभुज की भुजाएं क्या है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई क्या होगी, तो इसमें क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसे भी कर लूंगा अगर नहीं होगा तो मैं कर लूंगा, ठीक है। आज के लिए सभी बच्चे क्वेश्चन करके लाना, ठीक है।